अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल पे। वालदैन की हमेशा ही ख्वाहिश होती है कि जिस फील्ड में वो हैं उसी फील्ड में उनके बच्चे भी हैं। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक अपकमिंग एक्टर की बात करूँगा जिनकी वालदा ऑलरेडी एक पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। इनकी नानी एक सुपरस्टार थी अपने दौर की, नाम है दानियाल, और इनकी वालदा साइमा कुरैशी साहिबा और इनकी नानी रोजीना साहिबा, जो कि पंजाबी और उर्दू फिल्म की एक बहुत ही नामवर फनकारा रहीं। और इनके जो नाना थे यानी कि रोजीना साहिबा के जो शोहर थे वो साउंड रिकॉर्डिस्ट थे। इनकी तमाम तरह ही फैमिली शोबिस से मुंसलिक रही। अब दानियाल साहब ने भी अपने जो शोबिस का करियर है उसको स्टार्ट कर दिया है। पहले अपनी स्टडी कर रहे थे, साथ साथ हल्की फुल्की जो एड्स वगैरह होते थे उनको कर लिया करते थे, और उनकी जो पहले तवज्जो थी वो सारी अपनी स्टडी की तरफ थी। तो अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो भी शोबिस का हिस्सा बनेंगे। जैसे कि उनकी मदर अभी भी एक्टिव हैं और ड्रामों में बहुत अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने किरदारों के साथ वो इंसाफ भी करती हैं। उसी तरीके से दानियाल साहब भी अब एक ड्रामा कर चुके हैं जिसका नाम है बेवफा। ड्रामा ऑनियर हुआ था ARY डिजिटल के ऊपर और इन्होंने उष्णा शाह के भाई का कैरेक्टर प्ले किया था। इस किरदार को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया था। अगर आप लोग ने इनका जो कैरेक्टर था वो ऑलरेडी देखा है तो आप जानते होंगे कि इन्होंने किस तरह की एक्टिंग की। अगर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वीडियोज़ देखने के बाद भी जाके देखते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर ड्रामा है ARY डिजिटल का ये। सो आप सब लोगों को भी जो पाकिस्तानी हमारे ड्रामे हैं उनको हमें सबको ही देखना चाहिए। हमारे पाकिस्तानी ड्रामास बहुत अच्छे बनते हैं। धन्यवाद साहब को बहुत विशेष दूंगा, अल्लाह ताला उनको कामयाब करें, आमीन सुम्मा आमीन। ये उनकी फ़ोटोज़ हैं उनकी मदर के साथ जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। एकल की फ़ोटोज़ हैं जो कि ARY डिजिटल के ऊपर शो था निदा यासिर साहिबा का, वहाँ से उस शो से ली गई ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और कुछ फ़ोटोज़ पहले की हैं जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड की हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।